सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अगर आपने आवेदन किया है और आपने स्टेटस चेक किया है और आपको भी इस तरह का कुछ दिखा रहा है जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा दिखा सकता है अगर आप स्टेटस देखेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और क्यों ये इस तरह से दिखा रहा है और क्या कारण है इसका ऐसे दिखने का, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको, जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड, उसको आपको दबा लेना है और वो जैसे आप दबा देंगे ब्लैक हो जाएगा। उसके बगल में आपको घंटी का जो निशान है उसको भी दबा देना है। दोस्तों, इससे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो नया वीडियो बनेगा, जो नया अपडेट आएगा वेबसाइट पर, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं कैसे आपको इस तरह का कुछ दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है, और क्या आपको भी ये दिखा रहा है और दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है, और ये कैसे सही होगा या फिर ये दिखाने का क्या मतलब है, तो जान लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम बेनिफिशरी स्टेटस अपना खोलेंगे। बेनिफिशरी स्टेटस खोलने के लिए दोस्तों, हम बेनिफिशरी स्टेटस यहाँ से फार्मर कॉर्नर पे से बेनिफिशरी स्टेटस खोलेंगे, आधार नंबर डालेंगे और इस तरह का हमारा कुछ स्टेटस आ जाएगा। तो आप दोस्तों नाम नोट कर लीजिए, यहाँ सबसे पहले फार्मर नेम नोट कर लीजिए, बाकी डिटेल्स आप सारी कुछ देख लीजिए। तो अब आपको मैं नीचे ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं PFMS बैंक स्टेटस में दिखा रहा है अकाउंट डिटेल्स इज अंडर रिवेल्युएशन प्रोसेस विद बैंक। यहाँ आप सबसे पहले तो ये देख लें, अकाउंट रिवेल्युएशन प्रोसेस विद बैंक, यानी कि दोबारा से वेरिफिकेशन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है पूरी जानकारियों का। तो PFMS जो होता है वो दोबारा से सत्यापन कर रहा है। तो आप यहाँ साथ में नीचे पेमेंट स्टेटस में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है, ये स्टेटस आप साथ में देखें। मैं अब इसके साथ में एक यही स्टेटस मैं आपको मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, मोबाइल में क्या दिखाता है। तो इसी स्टेटस के साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ। तो स्टेटस में ये खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, अब इसमें आप जैसे देख रहे हैं, नाम आपने उसमें चेक कर लिया था, तो यहाँ भी आप नाम देख सकते हैं, सेम नाम है संदीप दत्त मोरे, या आप नाम देख सकते हैं महाराष्ट्र थाने, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड, पेमेंट अप्रूवल फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज स्टॉप्ड बाई द स्टेट ऑफिस, प्लीज़ कॉन्टेक्ट स्टेट ऑफिस और नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये आपको जो दिखा रहा है, तो फ़ोन में दोस्तों आप चेक करते हैं, फ़ोन में इस तरह का आपको कुछ दिखा रहा है, और आप वेबसाइट पे चेक करते हैं, वेबसाइट में कुछ थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखाता है। तो दोस्तों, आपने मैं आपको एक इसमें एडवाइस देता हूँ कि अगर आप ने PM किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो मोबाइल ऐप है वो आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, और कोई फर्जी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। इसके लिए आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PM किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल जो ऐप है उसका लिंक मैंने आप सभी लोगों के लिए नीचे दे रखा है, जो ऑफिशियल ऐप है, मैंने कोई फर्जी ऐप नहीं दे रखा है, ऑफिशियल जो ऐप है वो है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और बेनिफिशियरी स्टेटस सबसे पहले ही आपको होम पेज पर एक ऑप्शन मिलेगा, उसका आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ऊपर, ये पुरानी वीडियो है हमारी, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से कैसे आपको चेक करना है बेनिफिशियरी स्टेटस, या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस के साथ में नया आवेदन कैसे करना है, ये आपने देख लेना है। तो यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का स्टेटस आप देख सकते हैं, जो कि रोक दी गई है ऑफिस स्टेट से, और आपको इसमें कॉन्टैक्ट स्टेट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करने को बोल रहे हैं और नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर में जाने को बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि आपकी जो पहली जो इंस्टॉलमेंट जो आ रही थी वो स्टेट के द्वारा रोक दी गई है, यानी कि स्टेट ने आपके जो आवेदन है उसमें कोई प्रॉब्लम देखते हुए उसको रोक दिया है, यानी कि आपके अकाउंट में उनको लगा है कि आपको ये जो PM किसान सम्मान निधि है इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, या कुछ आपकी जानकारी गलत है, यानी कि आपका जो फार्मर नेम है और जो आपकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही हैं, इसलिए आपका जो किस्त है रोक दी है। इसके लिए आपको तहसील में जाना है, तहसील में जाके आपको एक बार चेक करवाना है, या फिर CSC सेंटर में आप जाएंगे वहाँ से आप चेक करवा सकते हैं जानकारी सही है या नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों, इस ऑप जो ये इंस्टॉलमेंट में एक नया जो दिख रहा है फ़ोन में, जी केवल दिख रहा है आपको,
लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कहीं और जो आपको इस तरह का नहीं दिखा रहा है, तो फ़ोन में अगर आप ये ऐप के माध्यम से चेक करते हैं तो इस तरह का आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये अगर आपको दिखा रहा है तो एक बार आपको तहसील में ज़रूर जाना है और हो सकता है कि आपका तहसील में जाके ये सही हो जाए। तो अगर आप एक बार तहसील में जाते हैं तो आपको पक्का ये है कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो दिखा रहा है इस तरह का, अगर आपको दिखा रहा है तो इसका उपाय ये यही है कि आप तहसील में जाएं और अपनी जो जानकारी है वो सही कराएं। और कई बार क्या होता है कि आप अगर मोबाइल में नहीं देखते हैं, इसी तरह वेबसाइट पर आके देखते हैं, तो यहाँ आपको सीधे बस दिखाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट। तो इसके लिए जो मोबाइल ऐप है उसमें उन्होंने बता भी रखा है कि आपको क्या करना है। आपको करना है ऑफिस में जाना है, स्टेट के ऑफिस में यानी तहसील में या फिर CSC में, वहाँ आपको डिटेल्स आपको चेक करवानी है और आप उसके बाद सही करवा सकते हैं। तो ये वेबसाइट में आपको दोस्तों नहीं दिखाएगा, केवल मोबाइल ऐप में दिखाएगा कि आपको इसमें क्या करना है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको इसके लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो दोस्तों इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, और चैनल को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।